हेलो एवरीवन, फिर से एक उड़ते पक्षी ने बताया कि सुबह जो जल्दी उठते सिर्फ उन्हीं के पास पैसा होता है, नहीं तो सारी ज़िंदगी वो दरिद्र रहता है। तो सबसे पहले पंडित लोग ही सुबह उठते हैं, तो सबसे ज़्यादा अमीर तो उन्हीं को होना चाहिए, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं देखा। ये साइंटिफिक रीज़न है सुबह क्यों उठना चाहिए, क्योंकि देखिए सुबह ऑक्सीजन इतनी होती है और इतनी ताज़ी होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हमारे हार्ट के लिए अच्छी है, बीपी शुगर सब चीज़ें नॉर्मल रहती है। क्योंकि देखिए पहले क्या था ना, इतना पॉल्यूशन नहीं था, अब इतना पॉल्यूशन है तो डॉक्टर खुद ही बोलते हैं कि सुबह उठो और सैर पे जाओ, मेडिटेशन करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो, तो इसकी तो आपकी ठीक रहती है। तो आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही रखिए। अगर कोई भी चीज़ ज्योतिष के रिगार्डिंग होती है मैं ज़रूर करती हूँ। जब बोला गया था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के पढ़ना, तो मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगा कर ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ी, लेकिन जितनी स्टडी करनी है उतनी तो करनी है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा था कि आप सुबह पढ़ते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन पहले जब मैं कॉलेज टाइम थी तो मैं सुबह ही 4 बजे उठती थी, तो पंडित जी क्या कार्तिक की कथा करते हैं ना, तो बहुत लाउड वॉइस होता, तो मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो ये भी एक मिथ है कि सिर्फ सुबह उठना तभी, क्योंकि सुबह तो हम आधी आँखें खुली आधी बंद, तो मुझे लगता है रात को जब सब सो रहे होते हैं ना उस समय क्या बिल्कुल शांति होती है, आपका माइंड फोकस रहता है। मैं सिर्फ रात को जागने के लिए उन लोगों को मना करती है, राहु मरकरी जिनका कंजंक्ट होता है तो ब्रेन पहले ही एक्टिव है और नेगेटिविटी आती है तो बुरे ख्याल भी आ सकते हैं। अदरवाइज मैंने कभी किसी को नहीं कहा सुबह ही पढ़ना उठ के, तो लोगों का ये भी भ्रम है सुबह जल्दी याद हो जाता है, ये हो जाता है, पहले से याद है, लर्निंग पावर आपकी होती ही है। तो इन चीज़ों से भी आपने बाहर निकलना है, सच के साथ जुड़ने हैं। कि अब क्या हो गया कि रात को लोग काम करते हैं, नाइट जॉब्स हो गई हैं, स्टेशन तैयार करते हैं, तो सुबह वो देर से ही जाते हैं ऑफिस, तो उनकी शिफ्टिंग होती है, कई नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, कई मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं, तो सबका देखे जाना पड़ता है। एक चीज़ को लेकर के तुम सुबह नहीं जागोगे तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जिसने अपना कर्म करना है उसका पहले से ही चित्रगुप्त ने लिख दिया कितने पैसे इसको मिलने हैं, तो ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता। आपको एक कंजंक्शन बता रही हूँ, केंद्र में इंसान अपने एफर्ट डालकर अपने कर्म को बदल सकता है, यानी 1, 4, 7 और 10, 5, 9 में कोई भी अगर प्लेनेट है तो चीज़ आपको परोस के दी जाएगी, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी अभी मेरा शनि धनु लग्न में सेकंड हो गए 7th हाउस में, अगर चाहूँ मैं अपने डेस्टिनी को बदल सकती हूँ, एफर्ट डालूँ तो, बिना एफर्ट के तो कुछ भी नहीं होगा। और 6, 8 और 12 को कोई चेंज नहीं कर सकता। और मैं कभी कहती हूँ ना रेमेडी दी है, तो इसका असर आप कब देखोगे, अगली जनरेशन में, जब आपके बच्चा होगा उसमें ये प्रारब्ध नहीं आएगा, अगर आप इस कार्मिक अकाउंट को पूरा कर लेते हो। 6, 8 और 12 और 3rd हाउस हमेशा कहती हूँ अपने क्लियर अकाउंट कीजिए तो आपका अच्छा ही होता जाएगा सब कुछ। पैसा नहीं है, अच्छी हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आज बच्चे पढ़े लिखे होने बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए। खाली पैसे पर फोकस मत कीजिए, आप लोग सुबह उठिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, सच सुने, अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ। बाय।